अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे स्विचर टेक्नो पॉइंट ऑफ सेल में आप परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं परचेज रिटर्न। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर परचेजेस का ऑप्शन है, इसके अंदर हम आ जाते हैं परचेज रिटर्न डेबिट नोट्स पे। हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, किस वेंडर को हम रिटर्न कर रहे हैं। मिस्टर यूसुफ अली मेरा वेंडर है जिसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। परचेज नंबर जिसके अंदर मैंने परचेज किया था वो नंबर मैं डाल दूंगा। क्या रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आइटम बता दूंगा। फेस वॉश रिटर्न कर रहा हूँ उसको मैंने सेलेक्ट करके एंटर किया। कितनी क्वांटिटी रिटर्न कर रहा हूँ, मैं दो क्वांटिटी रिटर्न कर रहा हूँ। अगर तो रिटर्न के अमाउंट आप रिसीव करें तो आप यहाँ पे अमाउंट रिसीव भी कर सकते हैं और इसको आप कर देंगे सेव। तो ये आपका अच्छा, यहाँ पे वेंडर इनवॉइस नंबर देना भी ज़रूरी है, इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये हमारा एक रिटर्न वाउचर पास हो गया। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न का भी सिंपल, इसी तरीके से सेल्स में आप आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट्स। अब एक सेल जो है वो आप कस्टमर से रिसीव करें, वॉक इन कैश कस्टमर से आप रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है। सेल इनवॉइस नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना जीरो कर देंगे। अब क्या रिटर्न आ रहा है, फेस वॉश ही रिटर्न आ रहा है हमारे पास कस्टमर से। कितनी क्वांटिटी आ रही है, एक क्वांटिटी रिटर्न आ रही है, इसको हम लास्ट में कर देंगे सेफ। तो ये हमारा सेल रिटर्न भी इसी तरीके से होगा।